केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के नंदानगर स्थित निवास पर पहुंचे। यहां सिंधिया ने भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के पिता स्वर्गीय चिंतामणि मेंदोला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता की अंतिम विदाई के लिए हम उज्जैन में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैं दिल की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि परसों ही मैं उज्जैन में उनके साथ था और जो ऊर्जा मैंने उनमें देखी थी और यह कल्पना हमारे मस्तिष्क में नहीं थी कि 24 घंटे के भीतर यह स्थिति हो जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके दरबार में पूनम चंद यादव जी को स्थान मिले ताकि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल मिले। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के यहाँ भी मैं उनके स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचा था। उन्होंने कहा कि विधायक के पूज्य पिताजी स्वर्गीय चिंतामणि मेंदोला ने जीवन भर भावना के साथ काम किया और क्षेत्र में लंबी सेवा की। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पूज्य पिताजी के अंतिम विदाई के लिए हम लोग उपस्थित थे। दिल की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और परसों ही मैं उनके साथ था और जो ऊर्जा उनमें दिख रही थी ये कल्पना भी नहीं हमारे मस्तिष्क में थी कि 24 घंटे में ये स्थिति हो पाएगी। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और मोहन यादव जी, कलावती जी, नंदू जी सभी परिजनों के साथ चट्टान की तरह हम खड़े हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके दरबार में पूनम चंद यादव जी को स्थान दिया जाए ताकि इस परिवार के ढाढ़स को भी हम लोग बनाए रखें। और रमेश जी के यहाँ भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था। इनके पूज्य पिताजी ने भी बहुत लंबी सेवा की एक भावना के साथ कार्य किया है और दोनों पूनम चंद जी और रमेश जी के पिताजी ने उस समय का क्षेत्र देखा है और अनुभव किया है जिसकी कल्पना हम लोग आज कर नहीं पाते। ऐसे महान विभूतियों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि में अर्पित। बहरहाल उन्होंने दोनों महान विभूतियों स्वर्गीय पूनम चंद यादव और स्वर्गीय चिंतामणि मेंदोला के चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।